ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। हेलो, वेलकम टू माय चैनल हिमालिनी टेलीविजन। मैं प्रिया झा, जिसमें मैं आपके लिए लेके आती हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरें। आज हमारी बॉलीवुड की खबर है नीतू सिंह पर। जी हाँ, 2 साल पहले आज ही के दिन नीतू कपूर के बर्थडे पर पेरिस में हुई थी धमाल पार्टी, मगर आज नीतू कपूर के लिए बहुत दुख की बात है कि आज के दिन उनके पति उनके साथ नहीं है। नीतू कपूर के लिए ये पहला ऐसा बर्थडे है जिसे वह ऋषि कपूर के बगैर ही सेलिब्रेट करेंगी। बेटी रिद्धिमा ने अपने माँ के 62वें बर्थडे पर पहले से ही सारी तैयारी कर ली है और सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट में उनका एक्साइटमेंट भी साफ झलक रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले साल 2018 में नीतू कपूर ने अपना बर्थडे पेरिस में सेलिब्रेट किया था, जहां उनके साथ उस वक्त पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें नीतू कपूर ने अपने 60वें बर्थडे की ढेर सारी खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की थी, जिसमें ऋषि कपूर, रिद्धिमा और उनकी फैमिली रणबीर कपूर के साथ उनकी दादी भी नजर आ रही हैं। नीतू कपूर ने ये तस्वीरें पेरिस गैंग लिखकर शेयर की थी। पेरिस में फैमिली डिनर की ये तस्वीरें उनके बेस्ट मोमेंट की ये तस्वीरें हैं, जिससे पूरा परिवार इकट्ठा नजर आ रहा है। इसके बाद से ही अगस्त 2018 में ऋषि कपूर के कैंसर का पता चला था और वे इलाज के लिए नीतू कपूर के साथ न्यूयॉर्क चले गए थे, और अक्टूबर में कृष्णा राज कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे तो इस बार रिद्धिमा ने अपनी माँ के लिए खूब सारी तैयारी कर ली है ताकि उन्हें कोई कमी महसूस ना हो सके। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बलून के साथ अपनी माँ की तस्वीर भी शेयर की है और इसी के साथ एक खूबसूरत सेल्फी भी ली, जिसमें रणबीर कपूर भी नजर आ रहे हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आज ही हिमालिनी टेलीविजन को सब्सक्राइब करें। हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज़।